हेलो एवरीवन, दिस इज लेजी आर्क। और आज हम लोग वापस से आ चुके हैं मॉड मैप में। तो मॉड मैप इन द सेंस, एक्चुअली हम लोग रैग्नारॉक में, जो कि जस्ट नया जर्नी शुरू हुआ है, कुछ ज्यादा एरियाज नहीं हुआ है। जिस जिस जगह पे स्पॉनिंग एरियाज थे उन लोगों को मैं अनलॉक करके वापस आ चुका। ये लोकेशन था जिसमें मैं सोचा कि इसमें घुसूं, बट एक नॉर्मल रैग्नारॉक मैप खेलने की जगह हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग इस बार मेगा मॉड में जाएंगे। और जो एक्चुअली प्राइमल फियर के अंदर हम लोग हैं, यहाँ पे जितने भी क्रिएचर्स होंगे बहुत ही अलग अलग टाइप के एनहांस में रहेंगे। नॉर्मल क्रिएचर्स भी अवेलेबल है, लाइक यहाँ पे बहुत कुछ घूम रहे हैं ये, जैसे कि ये ही है, ठीक है। बट इनके अलावा कुछ ऐसे क्रिएचर्स भी है जिन लोगों को हम नॉर्मल मैप्स में नहीं देख सकते हैं, और हमें उन लोगों को ही सर्च करना है कि वो लोग कैसे हैं, उन लोगों को कैसे टेम किया जा सकता है, उन लोगों के साथ कैसे सर्वाइव किया जा सकता है, कैसे रह सकते हैं, क्या एडवेंचर होगा, वो सब हम इस जर्नी में देखने वाले हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये जर्नी अच्छा लगेगा, और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं इस वीडियो को, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा और इस चैनल के लिए भी। और अगर आप लोग के पास कुछ ऐसे सजेशंस है जो कि इस मॉड को खेलने में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर सकते हैं तो आप लोग एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि मैं रैग्नारॉक में भी नया प्लेयर हूँ और खासकर प्राइमल फियर में भी नया प्लेयर हूँ। मैं एक्चुअली मॉड कभी इतना यूज़ किया नहीं हूँ, तो मुझे इतना आइडियाज नहीं है। तो फिर शुरू करते हैं जर्नी को। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ये एरिया को एक्चुअली टेम्पररी बेस बनाया है, जहाँ पे हम लोग कुछ अगर टेम्स कलेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, उसके बाद हम लोग एटलीस्ट डिसाइड कर पाएंगे कि आगे जाके करना क्या है। तो इस एरिया के बारे में मैं सब कुछ पता कर रहा था यहाँ से बच के, जब मैं उधर गया तो एक्चुअली उधर मुझे एक अल्फा डोडो और एक क्या बोलूँ, ज़ोंबी डोडो था शायद, नहीं ज़ोंबी डोडो नहीं बोल सकता, वो कौन सा डोडो था, एक मिनट में उसको। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ही अजीब ही अजीब गरीब टाइप के डायनोस अवेलेबल है। हाँ, टॉक्सिक डोडो और अल्फा डोडो दो मुझे मिले, तो उन लोगों ने मुझे मार दिया, और वहाँ पे फिर मुझे अपना वापस बैकपैक लाने में बहुत टाइम लग गया था, इसलिए मैं बीच में वो खत्म कर दिया था। फिर मैं आसपास में एक्चुअली क्रिस्टल्स ढूंढ रहा था, ताकि क्रिस्टल से मुझे हेल्प कर सके ये ऑसम स्पाई ग्लास मीन्स बनाने में, क्योंकि ऑसम स्पाई ग्लास मुझे हेल्प कर पाएगा किसी भी क्रिएचर को दूर से पता करने में, और उनके स्टैट्स को लेके ये पता करने में कि उनको कैसे टेम कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक्चुअली वेट कर रहा था। जब मैं अपना बैकपैक लाया तो मुझे वहाँ पे 2 एग्स मिले। एक्चुअली एग्स को लाते लाते भी मैं 2 बार मर चुका था, बट चलेगा, अब ऑलमोस्ट मेरे पास 2 एग्स है, ये टॉक्सिक एग्स है। वैसे तो आइडिया नहीं है कि मीन्स अगर मेरे पास फर्टिलाइज टॉक्सिक एग्स होते तो वो कैसे होते हैं, ठीक है। बट टॉक्सिक डाइनोस को कलेक्ट कर टेम करने के लिए भी टॉक्सिक नार्कोटिक सॉरी किबल्स लगेगा, जो कि मुझे बाद में पता चला, और इन लोगों को हम अलग तरीके से बना सकते हैं, वो तो अब उतना आइडिया नहीं है। देखते हैं क्या क्या चीज़ कैसे अनलॉक होगा। तो कुछ चीज़ें हैं जिन लोगों को हम कोशिश करेंगे इस एपिसोड में क्राफ्ट करने का, लाइक अगर मैं यहाँ से देखूँ शुरुआत में तो सब कुछ ये सब हो चुका है, ये सब भी बेसिक बनाना है, अभी ये भी बनाना है। आसपास के एरियाज में मैं स्टैंडिंग टॉर्च लगा दिया ताकि वो रात को ऑटोमेटिक चालू हो जाए और मुझे मेरा बेस दूर से दिख जाए, और फिर मैं आसपास में घूमूं नहीं। प्राइमल स्मिथी, जो कि हमारे लिए सबसे मेन एसेंशियल है इस पूरे मैप में, इसको मैं अनलॉक तो कर दिया हूँ, बट अभी तक क्राफ्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास क्रिस्टल्स नहीं है, और मेटल इंगोट बनाने के लिए मेरे पास फोर्ज नहीं है, तो उसका भी ज़रूरत है। उसके अलावा अगर हम कुछ चीज़ें और नीचे जाके देखें, तो यहाँ पे एक टेम हेल्पर है जिसके लिए शायद मुझे रेयर फ्लावर रेयर मशरूम्स को ढूंढना पड़ेगा। स्टिमुलेंट्स का इतना टेंशन नहीं है, यहाँ पे बायो वायरस एंटीडोट भी है, जो कि टर्मिनल यहाँ पे जो बायो वायरस होते हैं उन लोगों को हटाने के लिए, बट बायो वायरस बट यहाँ पे मैं एक चीज़ देखा, यहाँ पे प्राइमल स्टिमुलेंट भी है, जो कि शायद मैं अगर एजम्पशन अपना लगाऊँ तो ये जो लेवल 16 पे अनलॉक होने वाला है ये है प्राइमल स्टिमुलेंट। राफ्ट मुझे बनाना है, बट दिक्कत क्या हो रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि राफ्ट बना के यहाँ पे घूमना ज़्यादा डेंजरस होगा मेरे लिए। लाइक ऑलरेडी सब जानते हैं कि वाटर एरिया में लिट्सी घूमते हैं, और इसमें अगर लिट्सी के दूसरे वेरिएंट निकले लाइक अल्फा या फिर एपेक्स या फिर कोई और भी क्रिएचर, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे बचने का कोई चांस भी होगा। तो देखते हैं क्या क्या है। बट इस एपिसोड का जो सबसे पहला मेरा एक्चुअली टारगेट है वो है कुछ क्रिस्टल्स कलेक्ट करना, खुद का एक स्पाई ग्लास बनाना, और उसके बाद फिर आसपास के क्रिएचर्स को चेक करना। यहाँ पे मैं कोई दूसरे टाइप के क्रिएचर देखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेगालेनियस घूम रहे हैं, मेगालेनियस एक नहीं दो दो तीन तीन देखा हूँ, एक अल्फा देखा हूँ, टॉक्सिक भी शायद देखा हूँ, या फिर ये सब स्टैंडिंग टॉर्च है, ये एस वेरियंट का है, ये सब टाइम के हिसाब से ऑटोमेटिक चेंज चालू और बंद हो जाते हैं, तो अब टेंशन नहीं है। इन लोगों को मैं चारों ओर लगा दिया हूँ, और इससे मुझे कहीं ना कहीं इंसुलेशन मिल रहा है, तो मैं इस एरिया में और जल्दी नहीं मर रहा हूँ फ्रीजिंग की वजह से। ये भी एक है, लाइक ये कितना लेवल का है, 290 का है, ओके है, मुझे आई थिंक इसको टेम कर लेना चाहिए था। मैं आके टेम करता हूँ उसको, फिर उसके बाद देखता हूँ कि और क्या किया जा सकता है। सो इस एरिया में जब मैं घूम रहा था, एक्चुअली ये एरिया में मेगालिनियस बहुत है, ये रहे, और ये एक अलग वेरिएंट का है, और यहाँ पे एक हाफ व्हाइट एंड हाफ डार्क कलर का है, उसका एक अलग वेरिएंट है। तो हुआ ये कि मैं जब रात को यहाँ पे घूम रहा था, तो रात को
पूरे अंधेरे इलाके में यहाँ पे कुछ साइन किया, और मुझे पता चला कि एक्चुअली में वो क्रिस्टल्स हैं जिनके बारे में मैं जान नहीं पाता था। यहाँ पे भी एक ऑलरेडी मेगालोमेनिया घूम रहा है, ये एरिया बहुत ज्यादा डेंजरस है मीन्स मेरे अर्ली स्टेज के लिए। आई होप कि ये क्रिस्टल्स ही हो, क्योंकि रात को तो ये बहुत चमक रहे थे एंड मुझे क्रिस्टल्स मिल चुके। सो दो क्रिस्टल मिल चुके हैं जिससे मैं अपना स्पाई ग्लास बना सकता हूँ, और स्पाई ग्लास के लिए मुझे मिनिमम और भी कुछ रखना है। बट हम लोग के लिए मेन प्रायोरिटी सिर्फ स्पाई ग्लास नहीं है। यहाँ पे जब मैं स्मिथी देखता हूँ तो स्मिथी में मुझे 15 और क्रिस्टल्स भी चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एसेंशियल्स हैं। अगर मैं इन दोनों चीज़ों को देखूँ तो ये दोनों के लिए ऑलमोस्ट 17 के आसपास तो मुझे उसी में लग जाएगा। तो मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभी लाइक क्रिस्टल्स कलेक्ट कर पाऊंगा मेरे लिए सही रहेगा, आगे पीछे के सिचुएशंस को देखने के लिए, कि फिर अगर स्मृति बना लेता हूँ तो कोई भी चीज़ में इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, मीन्स इतना किस्मत खराब था कि एक पूरे के पूरे में से सिर्फ और सिर्फ दो ही निकला है, और वो भी कॉमन सेंस है, कहीं ना कहीं ये बोर्ड वाला ही है तो ये कमी डैमेज देगा। वैसे तो ये इसको अटैक कर रहा है यहाँ पे। क्या यहाँ पे एक ही क्रिस्टल नोड था? लाइक दो बन चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दो बहुत ज्यादा है अगर मैं देखूँ तो मेरा एक पूरा स्पाई ग्लास बन जाएगा। बट तब भी अगर कुछ और मिल जाता तो मेरे लिए थोड़ा सा फायदा ही होता कि मैं शायद मैंने एक और नोड देखा था। हाँ वो रहा। आई होप कि ये नोड्स वापस रिस्पॉन जल्दी हो जाए ताकि इसको अटैक करने से पहले जितना जल्दी हो सके कलेक्ट कर लो। अरे यार सीरियसली मीन्स एक भी क्रिस्टल नहीं दिया क्या? आसपास में और भी है? हाँ वैसे तो दिख रहा है। क्या मैं वहां तक जा सकता हूँ? लाइक अगर प्लीज अटैक मत करना, एंड आई होप कि ये मुझे कुछ और नोट्स दे दे प्लीज यार। कुछ रेयर मशरूम का जरूरत शायद मुझे। एक मिनट, मैं सही टूल यूज कर रहा हूँ ना? लाइक अगर मैं इसको यूज करूँ तो क्या दिक्कत होगा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लाइक ऑब्वियसली मैं एक वुडन वाला यूज कर रहा हूँ तो हाँ उसका बहुत ज्यादा ही खराब स्टैट्स होता है, और वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत भी देता है। ठीक है वो चीज समझ रहा हूँ, बट इसका मतलब इतना भी दिक्कत नहीं देगा कि मुझे 0 क्रिस्टल्स मिलेंगे, क्रिस्टल नोट्स से वो भी। ओ टॉक्सिक वेरिएंट ऑफ टेरानो भी मुझे वहां पे दिख गया है। और ये क्या है? मुझे अटैक करने के लिए है। मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है कि वो किस टाइप का क्रिएचर है, तो मैं उसे भिड़ना नहीं चाहता हूँ कहीं ना कहीं। अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो कहाँ गया? शिट, चेक कर लेता हूँ कि मुझे और किस चीज़ का जरूरत है। कुछ फाइबर्स, कुछ हाइड और कुछ वुड्स का ना। ठीक है वुड्स के लिए तो टेंशन नहीं है, वुड्स मेरा ऑलमोस्ट कलेक्ट हो चुका है। ओके ओके, और जहाँ तक बात आ रहा है फाइबर्स का, तो फाइबर्स मुझे मिल ही जाएंगे, फाइबर्स का भी टेंशन नहीं है। और कितना ज़रूरत है कुछ हाइट्स का, तो हाइट का मैं क्या करूँ? मे बी मैं अगर उसको टेम करने का कोशिश कर सकता हूँ। नो आइडिया कि किस टाइप का क्रिएचर है, मैं बस ट्राई करना चाहता हूँ कि क्या वो टेम हो या ना। ये तो अच्छा है कि मैं कुछ प्राइमल स्फीयर्स बना चुका हूँ, बट मुझे लगता नहीं कि मैं उसको टेम कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 5 प्राइमल स्फीयर्स मार चुका हूँ यार। ओ भागा 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 ट्रेंटुला, सेट मर गया बेचारा। मरा तो मरा, ज्यादा दिक्कत ये हो कि मेरा सब प्राइमल स्पीयर्स खा गया वो। 1 मिनट, मुझे कुछ हाइट्स का जरूरत था यार। क्या करें आप? ट्रेंटुला ना, ठीक है टॉक्सिक वेरिएंट है, वहां पर रुकना सही नहीं। भाई ये किसको अटैक कर रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तब से देख रहा हूँ ये वहीं पर लड़ रहा है। ठीक है क्या मैं ऊपर से जाके देख के आ सकता हूँ कि किससे लड़ रहा है भाई? आई होप कि ये मेरे पे अटैक ना करे। ओ पैरट्स, पैरट्स वैसे किसी काम के हैं इसमें अपने? लाइक मुझे कुछ लो लेवल के डायनोस को सर्च करना पड़ेगा। 1 मिनट भागो, ये वाला अल्फा है जिसको मैं अभी जस्ट इग्नोर करके आया हूँ। एक्चुअली ये अल्फा इसलिए मैं जान गया था कि लास्ट टाइम मैं एक्चुअली इससे भिड़ गया था बिना सोचे समझे और मर गया उसके चक्कर में, कहीं ना कहीं यही हुआ।
शायद मैं इसको मार के ट्राई कर सकता हूँ, और अगर नहीं भी मारा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वैसे भी अपने ही बेस के आसपास है। सो आई होप कि एटलीस्ट रेयर फ्लावर मिल जाता तो ज्यादा बेटर है, एटलीस्ट मैं उसको अट्रैक्ट कर पाता। क्या लग गया, लग गया, एक मिनट, कुछ लेके भागा। एंड मैंने उसको पकड़ लिया। ओके, हो गया। हमें कुछ अच्छे हाइट्स का जरूरत है। आई होप कि ये मुझे उतना हाइट दे दे जितने का मुझे जरूरत, और काफी है। मींस हम लोगों का पहला ऑसम स्पाई ग्लास बन गया। अब इस स्पाई ग्लास से एटलीस्ट मैं अब हर चीज का पता कर सकता हूँ कि ये कौन से क्रिएचर्स हैं, लोगों को किस चीज का जरूरत है। मींस ओ ऑलमोस्ट मेरे को 3 लेवल मिल गया। मींस वो कुछ ज्यादा ही अच्छा था जो कि मुझे हेल्प कर दिया। मैं अभी वैसे भी कुछ यही मूवमेंट स्पीड बढ़ाने का सोच रहा हूँ। वेट बढ़ाने का टेंशन नहीं है क्योंकि जो मैं स्टैक मोड यूज कर रहा हूँ वो मुझे कहीं ना कहीं हर चीज़ों को हेल्प कर रहा है कलेक्ट करने में। लाइक अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये एक क्रिस्टल का वेट ऑलमोस्ट 1 kg होना चाहिए था, बट यहाँ पे 0.1 है। मींस अराउंड 10x के आसपास ये पूरा गिरा दिया है, तो ये चीज़ बहुत अच्छा हुआ। अब चेक कर सकते हैं कि ये स्पाई ग्लास एक्चुअली में काम कैसे करता है। इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद ये देख सकते हैं, जैसे कि ये ट्राइसेराटॉप्स 20-70 लेवल का टेमेबल बट नॉकआउट है, और इसको सिंपल केबल्स का जरूरत है। बट अगर मैं उसके नीचे देखूँ तो ये अल्फा मेगालेनिया है, और एक मिनट, अल्फा मेगालेनिया को टेम करने के लिए अल्फा केबल्स का जरूरत है। वाह, ये चीज़ मैं नहीं जानता था कि वो नॉकअप है ना, नॉकआउट है ना, नॉकआउट है, बट उसको 22K टॉर्पोर का जरूरत है। और टॉर्पोर के लिए क्या हम लोगों के पास अलग टाइप के एरोज है? लाइक ऑब्वियसली इतने ज़्यादा हाई लेवल के क्रिएचर है और मुझे लग ही रहा था, बट ये 88 लेवल पे जो कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक मिनट, 1, 2, 3, 4, ओ ये सब मेटल एरोज जितना भी था सब उस टाइप के, ठीक है। देख सकते हैं क्या हम लोगों को कुछ नए चीज़ें हैं जो अनलॉक करने लायक है, जैसे कि जिन चीज़ों के बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है। बट यहाँ पे मैं, ये टॉक्सिक नार्कोटिक्स हैं, इसके लिए मुझे रेयर फ्लावर, रेयर मशरूम और टॉक्सिक ब्लड का जरूरत है। टॉक्सिक ब्लड शायद हो सकता है, बट ये पोटेंट नार्कोटिक्स एक्चुअली में है कौन, मैं समझ नहीं पा। ये क्या है, अल्फा हेल्थ पोशन, द पोशन विल कॉन्स्टेंटली हील 5% ऑफ योर। ओ ये मेरे लिए एक्चुअली बहुत अच्छा है, बट इसके लिए दिक्कत ये है कि अल्फा ब्लड का भी जरूरत है, मुझे लग रहा है कि कहीं पे भी अवेलेबल आसपास में नहीं है। मुझे कुछ क्रिएचर्स ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जिन लोगों का हेल्थ कम है, ताकि उन लोगों को मैं मार के एटलीस्ट हाइड ये सब कलेक्ट कर सकूँ कुछ शुरुआत में। ओ पोटेंट नार्कोटिक्स यहाँ था, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज योर हेल्थ बट पुट्स यू टू स्लीप 9x मोर पोटेंट देन दी रेगुलर नार्कोटिक्स। ट्राई कर सकते हैं, मीन्स शायद किसी काम का आ जाए। देखें कैसे बनाया जा सके, और चेक कर सकते हैं कि ये एक्चुअली में कितना ज़्यादा हेल्थ भर सकता है। क्या ये हेल्पफुल है भी या नहीं वो भी पता चल जाएगा। वैसे उसने ट्राइसेराटॉप्स का ना ही हेल्थ जा रहा है ना ही उसका, क्यों वो अटैक करने का मीन्स कोशिश तो कर रहा है बट वो अटैक कर नहीं रहा है उसको, ठीक है। हाँ, किन चीज़ों का जरूरत है थोड़ा देखिए। ओह शिट, एक बेरी का ना, किधर गया, नार्कोबेरी का सीड का जरूरत है, जो कि मुझे लग रहा है एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हार्ड है क्योंकि मेरे पास नार्कोबेरी का सीड तो नहीं। अब जाके ये देख सकते हैं कि वो जो टेरेंटुला जो मुझे मिला था, टेरेंटुला ही था ना, हाँ टेरेंटुला था, वो टेरेंटुला जो था वो एक्चुअली किस टाइप का क्रिएचर है। और मैं जब उसको प्राइमल स्पीयर से मारने का कोशिश किया तो वो मर क्यों गया, ये देखते हैं। और उसके अलावा कुछ नार्कोबेरीज को कलेक्ट करते हुए जाते हैं साइड बाय साइड। यहाँ पे भी मुझे कुछ क्रिएचर्स दिख रहे हैं, जैसे कि ये तो नहीं, इसके अलावा फिर ये भी नहीं, कार्बोनियम्स है, नॉर्मल है। एक मिनट, अल्फा 300 लेवल का कार्बोनियम्स, ये मेरा बहुत हेल्प करेगा, बट 5.2K टॉर्पर बहुत ज़्यादा हो रही है। अल्फा कार्बोनियम्स है और अल्फा किबल्स लगेगा, बहुत हार्ड है। वो कौन है, वो भी अल्फा मेगालेनियस है यार। यहाँ पे अल्फा मेगालेनियस बहुत घूम रहा है, लेकिन नॉर्मल मेगालेनियस से ज़्यादा ही अल्फाज घूम रहे हैं।
आई होप कि ये लोग एग्रेसिव ना हो। 290 टेमेबल नॉकआउट ना, उसके पास तो जाऊंगा नहीं मैं। कुछ मेटल का जरूरत पड़ सकता है, लाइक ये वाला हो। ओ, ये भी अल्फा ही है यार। ये नॉर्मल मेगालिनिया है, इसका देखा जाए तो टॉर्पर बहुत ज्यादा ही कम है दूसरे के हिसाब से। तो पहले एक्चुअली मैं इस जो पहला वाला डे था, हम लोग इसमें इधर आए थे। ओ मुझे मॉस्चॉप्स है, नहीं भाई, एक सेकंड के लिए खुश हो गया कि मुझे मॉस्चॉप्स मिल गया। एटलीस्ट मॉस्चॉप्स मिल जाता तो बेरीज का मेरा इतना टेंशन नहीं होता। पेलागोनिस ना शायद इसका। सिट, यार कोई ऐसा बेसिक डाइनो तो बता दो जो मैं एटलीस्ट टेम करके राइड कर सकूँ, या फिर उनके सारे इधर उधर एक्सप्लोर कर सकूँ। हर जगह तो मुझे मेगालेनियस दिख रहे हैं। मीन्स ऑब्वियसली ये लोग एग्रो है और ये लोग कभी भी मेरे पे अटैक कर सकते हैं। जैसे ओके, मुझे क्रिस्टल नोट्स फिर से मिल जाए। ये वाटर के अंदर है, बहुत वियर्ड है, बट ठीक है। लाइक मैं समझ सकता हूँ कि बाकी और मुझे कहाँ मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्रिस्टल नोड्स एक्चुअली में कहीं ना कहीं थोड़े दूर में ही अवेलेबल है। ठीक है, तो क्रिस्टल ये सब, हाँ एनकाइलर्स होता है तो शायद इतना दिक्कत नहीं होता। बट कैसे मैं बोलूँ, एनकाइलर्स नहीं है हमारे पास, मेटल्स नहीं है, स्मिथीज नहीं है। एक एक चीज़ को हम लोगों को पता करना है कि कैसे कैसे वो सब चीज़ फिट किया जा सकता है। और जहाँ तक बात है, एक बार और मैं ट्राई कर सकता हूँ ये चेक करने के लिए कि वो कितना क्रिस्टल दे सकता है। लाइक मुझे पता चल जाएगा कि उस समय मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुआ था या नहीं। एक ही देने वाला है, एक ही देगा, समझ गया मैं। तो ये मेरे साथ बहुत गड़बड़ हो रहा है। एटलीस्ट अच्छा है कि दो क्रिस्टल्स हो चुके हैं। अगर मैं इसको कहीं खो देता हूँ, बाय द वे ऑसम स्पाइकलर्स को, तो कहीं ना कहीं मैं उसको वापस ले आऊंगा। ठीक है, और जहाँ तक बात आ रहा है उसके अलावा, ओ रेगनरॉक का मैप वेरिएंट अच्छा है। ये क्या है, ऑयल वाला? नहीं, ओ, उसको मैं तोड़ भी नहीं सकता, डैमेज भी नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ही अजीबो गरीब। ओके, मुझे कुछ क्रिस्टल्स फिर से मिल गए। यार एक क्रिस्टल नोड में एक ही दे रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। भाई तो वो कौन, आर्थ्रो, आर्थ्रो 40 ब्रोथ ऑफ एंटा, कैसे पासिव है, बट पासिव मुझे लगता नहीं कि वो पासिव जाने लायक भी है। मेरे पास वैसे तो एक मैं 16 स्पॉइलमेंट या 4 स्पॉइलमेंट, ठीक है, बट मेरे पास गिलीज नहीं है। ओ शिट, मेंटिस भी है। ओ गया 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 गया। जस्ट बोला था कि वहां पे मेंटिस अवेलेबल है और वो मेरे ऊपर एग्रो हो गया। आई होप कि इधर के मेगालेनियस मेरे पे अटैक ना करे। एक मिनट, ये ट्रेंच, ये मुझे वाइवन ट्रेंच जैसा क्यों दिख रहा है? मींस मुझे जहाँ पे बेस मिला, ये क्या है, सल्फर्स? हो वाह, जिन चीजों का जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस अपोजिट एरिया में आऊंगा। लाइक मुझे इस एरिया में लेट गेम में आना चाहिए था या फिर मिड गेम में आना चाहिए था, और मैं अभी से आ गया हूँ इस एरिया में, क्योंकि सल्फर्स अवेलेबल है, क्रिस्टल्स यहाँ पे कुछ कुछ अवेलेबल है। नोट्स, हाँ मेरे पास लाइक प्रॉपर टूल होता या फिर डाइनो होता तो शायद वो क्रिस्टल्स को भी मैं सही तरीके से कलेक्ट कर चुका होता। बट एज यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, इस एरिया में मुझे तब आना चाहिए था जब एटलीस्ट मेरे पास सब कुछ तैयारी करके रखता। और फिर इसमें तो सल्फर आज टूटेगा नहीं क्या? इसमें सल्फर निकलते ही जा रहा है, स्टोन निकलते ही जा रहा है। वाह, इसलिए मैं एक्स्ट्रा लेके घूमता हूँ। एच, वो लावा, ये डेफिनेटली वाइवन ट्रेन से। सोचो कितना मस्त, मतलब किस्मत होता
मैं वाइवर ट्रेंथ में हूँ, डे टू है और 15 लेवल का हूँ, और अचानक से मुझे सीट, मैं 1 सेकंड के लिए डर गया। ठीक है, मेरा डे टू है और मैं यहाँ पे आसपास में एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और मुझे अचानक से एक Y1 एग मिलता है, और मैं उस एग को लेके भाग जाता हूँ, और उसके बाद फिर उसको हैच करता हूँ, मेरे पास एक Y1 मिल जाता है। एज Y1s का सैडल नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे लिए बहुत लकी होता है, अगर मुझे गलती से एक एग मिल जाता तो उनको मैं राइड कर पाता, वो भी डे टू से, अगर इतना अच्छा मेरा किस्मत होता तो। बट मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे एक्चुअल में एग्स अवेलेबल होंगे, एरिया अच्छा है बट नहीं, रेगनारोक तो सबसे डेंजर एरिया उसमें हम लोग घूम रहे हैं, वो भी इतना अर्ली स्टेज में। आई होप कि यहाँ पे कोई खतरनाक डाइनो ना दिख के, अरे भाई तो मुझे कोई बड़े क्रिएचर दिखाई क्यों नहीं दे रहा, लेकिन मैप में बड़े क्रिएचर्स और मुझे ब्रॉन्टो मिल गया। बट 1 मिनट, ये थोड़ा वियर्ड लग रहा है, लाइक ब्रॉन्टो नहीं दिख रहा मुझे, मेगालेनिया, ये कौन है, अल्फा टाइटानो बोआ 300 लेवल, आई होप कि वो मर जाए, पर दिक्कत ये कि मेगालेनिया जिंदा रहेगा ना, ये ब्रॉन्टो इतना वियर्ड क्यों है। ब्रैकियोसोरस आर्क में, मतलब नहीं, मैं ये जानता हूँ कि आर्क एडिशंस में ब्रोकियोस है, बट चलो एटलीस्ट कुछ नाम मिलने से बेटर है कि मुझे मॉस्चोप्स मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, मीन्स मैं आर्क एडिशंस इंस्टॉल नहीं किया हूँ, सिर्फ कोई आया कौन है, अरे यार कितना है, 12 ना, किधर है, आई होप कि अगली बार ये परेशान ना करे, किधर गया, हाँ कुछ और हाइट कलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद लास्ट वाले में कुछ बेरीज डाल देते हैं, और मॉस्चॉप्स को पहले तो टेम करते हैं। अब मैं जान रहा हूँ मैं मॉस्चॉप सबसे बेसिक डाइनो है, और ऑब्वियसली मैं उसी को टेम करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास सैडल भी नहीं है, और साथ ही साथ उतना हाई लेवल का नहीं है, डाइनोज भी नहीं है, और नार्कोटिक्स भी नहीं है, उसके अलावा फिर मेरे पास ट्रैंक एरोज भी नहीं है, तो बहुत कुछ जो मेरे पास नहीं है, दिक्कत है। देखिए कितना टाइम लगेगा इसको टाइम बने, भाई वो ब्रैकियो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा यार, टिंटो वेरिस, हाँ उसको टिंटो वेरी खाना, टिंटो टिंटो टिंटो, ओह मेरे पास बहुत सारे टिंटो वेरीज हैं, एक बार में टाइम हो गया, बहुत अच्छे। चलो अरे अरे रुक 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 रुक, ओके 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 ओके, पासी 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 पासी, ये चीज अच्छा है कि मॉस्चॉप्स को सैडल का जरूरत नहीं होता कहीं ना कहीं, तो ये चीज मेरे लिए अच्छा हुआ, लाइक मैं आराम से अभी इसको ये कर सकता हूँ, अगर ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें मेरा मॉस्चॉप्स मर भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं कोशिश तो करूंगा पूरा बचाने का, बट उसके अलावा क्या होगा कि एटलीस्ट ये मुझे अभी इतना नार्को बेरीज कलेक्ट करके हेल्प कर देगा कि उसके बाद दिक्कत नहीं होना चाहिए। पीसी में मॉस्चॉप्स को टेम करने का एक्चुअली में फायदा है, इन लोगों को राइड कर सकते हैं, बट क्या होता है कि आर्क मोबाइल जो लोग खेलते हैं, जैसे कि मैं पहले खेलता था, उसमें मैं इतना जानता हूँ कि मॉस्चॉप्स को कभी राइड नहीं कर सकते, तो क्या होता है उन लोगों को वांडर के लिए छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद वो जितना अपना खुद का कलेक्ट कर पाएगा उतना ही कलेक्ट करता था, तो कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत था, और इसलिए वहाँ पे मॉस्चॉप्स पहला डाइनो नहीं होता है, पहला पैरासोर हुआ, नहीं तो फायमिया हुआ, या फिर कार्बोनिम्स ही हो सकता था, पर यहाँ पे मुझे बहुत कुछ वेराइटीज दिख रहे हैं, और एज ये यहाँ पे जिंदा दिख रहा है तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि अल्फा टाइटानो मर चुका है, टाइटानो बुआ ना कि टाइटानो सौर, तो क्या उसके कुछ बॉडी पार्ट्स मुझे मिल जाएंगे, बाय द वे यार ये ब्रोकियो है, ठीक है, हाँ 1 मिनट 1 मिनट, पहले मैं लेवल अप कर लेता हूँ, ये इसको निकाल लेते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता है कि शायद उतना कुछ जरूरत पड़ने वाला, अरे बेरीस मिल गया फाइनली, नार्को बेरी सीड्स मिल गए, अब हम ये चेक कर सकते हैं कि ये किस टाइप का है, उसके अलावा मुझे कोई नार्को टिक्स जरूरत है, और टिंटो बेरी सीड्स, ओह दो दो है, तो ठीक है काफ़ी है, आई होप कि उन लोगों का स्पॉइलिंग टाइम ना हो, 15 मिनट, वैसे तो ये ब्रोक्यो कुछ ज़्यादा ही, वो भी ये अल्फा है, मीन्स अगर मैं इसके पास जाता हूँ तो ये ऑब्वियसली मुझे मार ही देगा, तो मुझे उससे दूर रहना पड़ेगा, मैं
मेगालेनियस, टाइटनोबोआ है ना, हाँ, मेंटिस। ठीक है, इनके अलावा मुझे कोई दिख रहे हैं यहाँ पे? वो अल्फा अरानिया 2-300 लेवल। इन लोगों के लिए अल्फा केबल का जरूरत है, बट मैं ये नहीं जानता कि अल्फा केबल एक्चुअली में बनेगा कैसे। अल्फा केबल ना, क्या यहाँ पे इन लोगों का खुद का एक अलग, कैसा बोलूँ उसको, क्या बोलते हैं, कुकिंग पॉट है? क्योंकि पहले तो मैं मीट स्पाइलर डालना चाह रहा था, मगर मेरे पास इतने क्रिस्टल्स नहीं है। प्राइमल स्मिथी डालने से शायद मुझे सब चीज़ का आंसर मिल पाएगा, बट प्राइमल स्मिथी में कुछ ज़्यादा ही रिसोर्सेस लग रहे हैं। लाइक 15 क्रिस्टल्स का जरूरत है और उसके बाद 25 मेटल इंगोट। चलो ठीक है, एक काम कर सकते हैं हम लोग, मेटल इंगोट का कलेक्शन के लिए सेट। मैं क्या करूँ, ठीक है। बाय द वे, इसका वेट कितना है? 216। ठीक है, थोड़ा ऑलमोस्ट 1000 के आसपास हेल्थ हो गया, तो हम लोग वेट बढ़ा सकते हैं। सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस एरिया है, मुझे लग रहा है कि मेरे लिए ऊपर वाले एरियाज को मैं घूमना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इस एरिया को यहाँ से छोड़ के निकलते हैं, उस एरिया में जाते हैं जहाँ पे मुझे मेटल नोट्स मिले थे एक्चुअली, और वहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब तक प्राइमल स्मिथी या फिर नॉर्मल स्मिथी मेरा नहीं बन जाता है, और जब तक मेरे पास मेटल टूल्स ना बन जाए, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चीज़ होगा जो कि मुझे ऑलमोस्ट रिसोर्सेस फार्म करने में हेल्प कर सके। ये सब चीज़ जितना भी वुडन होता है, ये सबसे कलेक्ट करना एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे। तो यहाँ पे तो ऐसे मेटल नोट्स मुझे एक भी नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे क्रिस्टल्स के बहुत नोट्स मिल चुके थे, बट अभी भी मैं विश कर रहा हूँ, होप कि अगर मेरे पास मेटल टूल्स होते तो मैं बहुत आराम से इतना कलेक्ट कर लेता जितने में मेरा दिक्कत है। भाई देखो वहाँ पे मैं पैरट्स को देखा हूँ, ये अल्फा मेगा लेनी है इसके आसपास। हाँ, पैरट्स पैरट्स पैरट्स, उसके बैकपैक में पाइक है, और ये क्या क्या है? ओ, मैं किसी का बैकपैक भी चेक कर सकता था। ठीक है, पैरट्स पैरट्स, अरे ये मेगालेनिया हेंजेरा, हाँ पैरट्स। तो पासिव टेमिंग है और टॉपर लेवल, इतना रेयर फ्लावर्स वो लोग प्रीफर करते हैं, बढ़िया। ठीक है, तो मुझे लग रहा है बेटर है, बट जब तक वो मेगालेनिया अवेलेबल है वहाँ पे मैं मार नहीं सकता। 9.6 के हेल्थ, यार बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरा बेचारा मॉस्टर्स वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 100 भी नहीं, 40-50 डैमेज दे रहा होगा, और मैं उससे लेके जाऊँगा 10,000 वाले हेल्थ को मेगालेनिया को अटैक करने, लगता नहीं मैं और टिक भी पाऊंगा उसने। ठीक है, काफ़ी है। आई थिंक मेरे लिए कार्बोनिम्स ज़्यादा बेटर रहेगा, लाइक मैं इसको छोड़ सकता हूँ। कार्बोनिम्स एक्चुअली टफ होते हैं, मीन्स क्या उन लोगों का, ये वाला सबसे अच्छा नहीं, ये 40 है एक्चुअली। मैं यहाँ पे 300 लेवल का कार्बोनिम्स देखा हूँ, पर दिक्कत ये उसके साथ यहाँ पे 11K वाला अल्फा मेगा लेनी अभी है। मीन्स अगर गलती से मैं कार्बोनिम्स को अटैक करता हूँ, सो ये जो ये मेरे पीछे पड़ जाएगा। सामने वाला कितने लेवल का है वो? 2.7 के हेल्थ एंड 1.7 के टॉर्पोर। ठीक है, शायद मैं उसको ट्राई कर सकता हूँ। दोनों का लेवल अप अवेलेबल है, इसको कुछ वेट बढ़ा लेते हैं, और मेरा वाले का मोमेंट स्पीड इंटो, और उसके अलावा शायद मुझे नहीं लग रहा है कुछ मिला है। ठीक है, सो कितने लेवल का है? 90 लेवल का। 90 लेवल का अगर मैं सही से टेम भी करूँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मैं सही से वैसे टेम कर पाऊँगा। 2.4.3 के टॉप, और यार ट्राइसेराटॉप्स मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहता, बट हाई लेवल का ट्राइसेराटॉप्स है। क्या किया जाए? ओ, रात का टाइम हो गया, मेरा जितना भी ये थे ऑटोमेटिक सब चालू हो गए हैं। कहीं ना कहीं एस प्लस भी इंस्टॉल करने का बहुत फ़ायदा भी हो रहा है, ये चीज़ भी है। कुछ कुछ अच्छे टूल्स है जिन लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा वेट, कल को वेट बढ़ा लेता हूँ, डैमेज बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है, चलेगा। कम लेवल का ये एटलीस्ट मिल गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत हेल्प कर रहा है। शुरुआत में इतने बेरेस मेरे लिए आई थिंक काम के आएंगे। और मैं ये नहीं जानता हूँ, हाँ मैं एक चीज़ और चेक करना चाह रहा था, वहाँ पे जाके ट्राई कर सकता हूँ पहले तो। ठीक है, यहाँ पे सब रिसोर्स रख देता हूँ, उसके बाद जाता हूँ। क्या और कलेक्शन हुआ ये? ठीक है, और उसके बाद नार्कोटिक्स, तो ये बनाने के लिए मुझे एक्चुअली शायद सब चीज़ें मुझे लगा कि बनाने के लिए ज़रूरत पड़ सकते हैं हम लोगों को। ओ, सामने भी एक अल्फा है यार, चारों ओर तो अल्फा ही अल्फा घूम रहे हैं, पूरा मेरे बेस के सामने ये लोग टिके हुए हैं। तो बंदे को क्या हुआ? कोई नहीं कोई नहीं, यहाँ पे
कुछ हाफ ऑफ दी नरको बेरीज को यहाँ डाल देते हैं, और उसके साथ फिर ये, हाँ मैं भूल गया था कि हम लोगों को नारकोटिक्स का जरूरत पड़ेगा। नारकोटिक्स, टॉक्सिक नारकोटिक्स एक अलग है, चेक करेंगे इसको हम कहाँ बना सकते हैं। प्राइमल स्मृति बस, वाह ठीक है। क्या अवेलेबल है? ठीक है, जब तक ये बन रहा है तब तक मैं और जितने भी मैं स्पॉइलमेंट कलेक्ट किया हूँ, एक्चुअली स्पॉइलमेंट मुझे कुछ ज़्यादा ही मिल गए थे यहाँ पे। ये जो कुछ मरे हुए बासिलोस थे यहाँ पे, तो मुझे बहुत हेल्प कर चुके थे। ऑलमोस्ट बहुत बन सकता है। और इसके अलावा अगर मैं इससे चेक करूँ तो इसके पास क्या क्या है? कुछ रिसोर्सेज, फाइबर, शायद मुझे नहीं लग रहा है कि इतना फाइबर कलेक्शन के बाद मुझे और फाइबर्स का जरूरत पड़ेगा। इन सीड्स का जरूरत नहीं है, ठीक है। और सॉरी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हाँ तो यहाँ पे फाइबर्स डाल देते हैं, और उसके बाद ये, हाँ उसके अलावा अगर मुझे किसी चीज़ का प्रॉपर तरीके से ज़रूरत है तो वो यहाँ हो चुका है। ये कुकिंग पॉट का ज़रूरत है, फ्लिंट, फ्लिंट, फ्लिंट का, हाँ मैं फ्लिंट से सब एरोज बना चुका हूँ ना, तो एरोज का शायद वहाँ पे काम आ सकता है। मैं बता रहा हूँ क्यों, अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। सुसाइड सुसाइड पोशन भी हम लोग के पास रखा हुआ है, इमरजेंसी के टाइम काम आ सकते हैं। हिल योर क्रिएचर फॉर 5% अजुल बेरी ना, ठीक है। अजुल बेरीज, ये देखिए क्या है ये, ठीक है। इसका हेल्थ तो वैसे तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्या वो मुझे वैसे तो कुछ दिखा नहीं। हाँ अगर ये किसी काम का है तो ऑब्वियसली मैं बना के रख सकता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं 25 कर सकता हूँ। क्या पता ये सब किसी सिचुएशन बेस्ड पे काम आ सके। वैसे ये है क्या, हीलिंग स्ट्यू? ये सिर्फ और सिर्फ क्रिएचर को ही हील कर सकते हैं, तो ठीक है। और बाकी जहाँ तक बात है तो उन लोगों को मैं यहाँ रख देता हूँ। तो शायद कुछ बन चुके होंगे, कितने बन चुके हैं? ओके तो ये ऑलमोस्ट 3 में बना सकता हूँ। और इसके अलावा जैसे कि हम लोगों को प्राइमल स्पीयर्स का जरूरत पड़ता है, तो इसके लिए मुझे कुछ फ्लिंट, फाइबर एंड वुड का जरूरत। फ्लिंट यहाँ पे नहीं है, बाकी सब चीज़ अवेलेबल है, तो मुझे बस फ्लिंट्स कुछ अच्छे से कलेक्ट करके मैं अगर आ जाता तो सही रहता। रात का भी टाइम हो रहा है यार, यहाँ पे रात में टेम्परेचर एक्चुअली पूरा ज़्यादा ही ब्रेक होना लग जाता है। फूड कहाँ है? आई होप कि इतना फ्लिंट मेरे लिए काफी होगा। नहीं ठीक है, जो टेरेंटोला था उसके ऊपर मैंने अपने सबके सर प्राइमल स्पीयर्स वेस्ट कर दिए, तो मुझे कहीं ना कहीं और भी कुछ प्राइमल स्पीयर्स का जरूरत है। हाँ मुझे एक और चीज पता चल जाएगा। शिट, वल्फा मेरे मॉस्चॉप्स के साइड आ रहा है। जल्दी 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 जल्दी, बच गए। हाँ तो मैं नॉर्मल छोटे क्रिएचर पर टेस्ट करने जा रहा हूँ, उससे मुझे आइडिया एटलीस्ट उतना मिल जाएगा कि मुझे कुछ और फाइबर्स की जरूरत है ना। किधर है? एक ये बना सकते हैं, एस प्लस कुकिंग पॉट, आई थिंक नॉर्मल यहाँ पे काम करेगा, एस प्लस में डाउट ना, क्योंकि दोनों तो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल थे। उसके अलावा देख सकते हैं, वैसे एस प्लस में काम नहीं हुआ तो जाके हम बनने वाले, और मुझे लग रहा है कि 15-14 इतना काफ़ी होगा, क्योंकि एक में कितना मिलने वाला वो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि जो क्रिएचर है उस पर भी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। क्रिस्टल्स को यहीं छोड़ देता हूँ, और उसके अलावा इसको यहाँ रख देता हूँ। जो जो चीज़ों का ज़रूरत है, जैसे कि ये क्या है, नो आइडिया। हीलिंग स्ट्यू कैसे अभी काम करेगा, अभी तक कुछ श्योर नहीं हो। पोटेंट नार्कोटिक्स इंक्रीज योर हेल्थ बट पुट्स यू टू स्लीप 9x मोर पोटेंट। ये हम अभी यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि मेरा टेम्परेचर की वजह से हेल्थ गिरने वाला है। हाँ अगर मैं यहाँ पे मर भी जाता हूँ तो कोई टेंशन नहीं है, ऑब्वियसली मैं अपने पूरा बेस में ही हूँ, सो ये भी देखा जा सकता है।
पहले तो इसको चेक किया जाए, ये कुकिंग पॉट में क्या किबल्स का यहाँ पे फार्मिंग के बारे में लिखा हुआ है कि नहीं, कि अल्फा किबल्स कैसे बनता है या फिर एपेक्स किबल कैसे बनता है या फिर दूसरे किबल्स जो भी जितने टाइप के यहाँ पे क्रिएचर्स अवेलेबल है एलिमेंटल में, सब चीज़ का हम लोग ट्राई कर सकते हैं। और ये उसके बाद ये मेगालेनियस वेबसाइट है वो कितने लेवल के होते हैं, कार्बोनेम्स 91.7 के टॉप पर। मेरे पास कितने ये प्राइमल स्पीयर से बाय द वे, ऑलमोस्ट 10 यहाँ पे रखा हूँ मैं और 11 यहाँ पे हैं। सो अगर एक प्राइमल स्पीयर 100 के आसपास भी डैमेज देता है, जो कि मेरा एक्चुअल में एजम्पन्स है कि हाँ वो उतना डैमेज दे देगा तो कहीं ना कहीं मेरा काम आ जाएगा, बट अगर वो उतना डैमेज नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। और इसको पहले लगाते हैं और ये चेक करते हैं कि ये वाला आइटम कैसे काम करता है। सो मैं यहाँ पे हूँ और मेरा हेल्थ ऑलमोस्ट अभी 35 के आसपास है, थोड़ा मूवमेंट स्पीड बढ़ा लेते हैं। हाँ, उसके अलावा मेरे पास ये जो चीज़ है ये यहाँ पे लिखा गया है कि हेल्थ पूरा बढ़ा देता है बट स्लीप कर देता है। चेक कर सकते हैं 33 पे, बट देखिए कितना ये हेल्थ बढ़ाएगा और मेरा टॉर्पर कितना बढ़ रहा है। सो मेरा हेल्थ ऑलमोस्ट 33 से बढ़ के 53 पे आ गया है, बट मेरा टॉर्पर अभी भी बढ़ रहा है। सो सिर्फ 20 हेल्थ के लिए मैं अपने आप को स्लीप में डाल रहा हूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि इफेक्टिव है, बट मैं शायद इसको दूसरे तरीके से यूज़ कर सकता हूँ क्रिएचर को खिला के, क्योंकि मैं अपना अगर टॉर्पर देख रहा हूँ तो मेरा टॉर्पर ऑलमोस्ट 100 के आसपास पहुँचने वाला है और मैं अभी भी स्लीप में हूँ, और उतना स्लीप के ड्यूरेशंस में मेरा जितना हेल्थ फुल हुआ था वो हेल्थ वापस गिर के मैं अभी मरने वाला हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको यूज़ करके। मीन्स मे बी अगर प्राइमल फियर में उसका अगर एक इतना अच्छा सिचुएशन है, पहले नंबर पे वो लो लेवल पे अवेलेबल है वो आइटम, तो कुछ ना कुछ तो उसका यूसेज होगा, उसी यूसेज को हम पता करेंगे कि वो कैसे यूज़ होगा, उसके बाद फिर देखते हैं कि वो कैसे कैसे उसको दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं खुद को बचने के लिए। ठीक, मेरा हेल्थ गिर नहीं रहा है, मीन्स ऐसा लग रहा है कि मैं फ्रीज हो गया हूँ। सो ये उन सिचुएशन के लिए सही है जहाँ पर मुझे पूरा लास्ट सिचुएशन पे हेल्थ का जरूरत है, बट मैं क्रिएचर से दूर हूँ, मैं कोई मुझे अटैक नहीं कर रहा तब सही है, बट उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और किसी भी सिचुएशन में ये यूज होने वाला। अगर ये क्रिएचर्स पे यूज हो सकता है क्योंकि उन लोगों को टॉर्पर अगर वापस पुल कर सकते हैं, सो सबसे बेस्ट ही आइटम होने वाला है मेरे लिए, तो वो तो तभी पता चलेगा जब मैं यहाँ से उठ जाऊंगा। मुझे लगता नहीं कि मैं वैसे भी अभी इस सिचुएशन में उठने वाला हूँ। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले एपिसोड में, जहाँ पे हम लोग एटलीस्ट बेसिक्स तो वैसे यहाँ को पता चल ही चुका है ये क्या चल रहा है, आगे का क्या करना है वो भी पता चल जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, और अगर आप लोग इस चैनल पर हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।